स्वागत है, आइए जानते हैं आज की खास खबर। टिकट नहीं मिलने से नाराज दलित नेता उदित राज ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नाराज सांसद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हुए। बता दें कि उदित राज का टिकट काट कर बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी दलित नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले उदित राज को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, लेकिन वह लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उन्हें मनाने का प्रयास भी किया था, पर वह अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसका नतीजा अंततः उनके बीजेपी से अलग होने और कांग्रेस से जुड़ने के रूप में सामने आया है। फिर से चौकीदार बने उदित राज, क्या दूर हो गई है टिकट ना मिलने की नाराजगी? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से मौजूद सांसद उदित राज की जगह गायक हंसराज हंस को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। टिकट की घोषणा ना होने को लेकर उदित राज ने जमकर अपनी नाराजगी जताई, यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात भी कही थी। नाराजगी में उन्होंने ट्विटर से अपने नाम के आगे से चौकीदार भी हटाया था, लेकिन अब उन्होंने अपने नाम के आगे एक बार फिर चौकीदार लगा लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या पार्टी ने उनको मना लिया है, क्या उनकी नाराजगी दूर हो गई है। मंगलवार सुबह उन्होंने ट्वीट किया, मुझे टिकट का इंतजार है, अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं पार्टी को अलविदा कर दूंगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।